तो ये देखिए फटाफट फ्राई हो रहा है पापड़, इतना क्रिस्पी बना है, इतना क्रंची बना है, बच्चे तो इसे देखते ही खा जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो लेके आई हूँ रोटी के पापड़। तो ये रेसिपी शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, तो बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आपको मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों रोटी के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 रोटी ली है। आप यहाँ पे बासी रोटी भी ले सकते हैं, तो मैंने जो सुबह में बनाई थी वही रोटी है। इसे लेना है रफली इस तरह, अपने हाथों से इसके 4-4 टुकड़े कर लेना है, हमें ज्यादा छोटे टुकड़े नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों रोटी को इन टुकड़ों में तोड़ लेना है। मैंने यहाँ पे 4 रोटी का इस्तेमाल किया है, आप इससे ज्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोस्तों देखिए रोटी तोड़ के मैंने ले लिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। देखिए दोस्तों मैंने स्टोव में 1/2 लीटर पानी लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेना है, हमें ठंडे पानियों में रोटी को नहीं डालना है। तो देखिए दोस्तों पानी हमारा गर्म हो रहा है, तो मैं एक एक रोटी के टुकड़े इसके अंदर डाल दूंगी इस तरह से, और हमें इस रोटी को ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा बॉईल करना है ताकि इसका ग्लूटेन निकल जाए, और इसे ज्यादा चलाना भी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं रोटी में, इसे ज्यादा मैश नहीं करना है हमें। तो देखिए दोस्तों एक उबाल आ गया, तो मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ, बस हमें इतना ही पकाना है, इसे ठंडा होने देते हैं, बस इतना ही पकाना था हमें रोटियों को। इसे तो इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। देखिए फ्रेंड्स ये रोटी को अब क्या करना है, मैं इसे पीसने वाली हूँ सिलबट्टे पे, आप इसे ब्लेंडिंग जार में भी पीस सकते हैं। तो इस तरह से छान लेती हूँ मैं, और इसका मेन पेस्ट बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे पीस लेती हूँ। तो अब ब्लेंडिंग जार में पीसेंगे तो काफी स्मूथ रहेगा ये। इस रोटी को एकदम मेन पीस लेना है ताकि इसमें से ग्लूटेन निकले। कैमरा गर्ल नीचे दिखाओ, ये प्रोसेस सील पे थोड़ा लेंदी हो जाता है, आप मिक्सर जार में पीसेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों रोटी को मैंने अच्छे से पीस लिया है, तो इसमें 1 कप मैं मैदा डालूंगी। रोटी का कलर थोड़ा ब्राउन होता है इसलिए मैदा डालने से ये सफेद रहेगा, आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी मैं, इसमें लगे तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, और अच्छा सा अच्छे से इसे घोल लेना है। तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा पानी और मैं डाल रही हूँ, और इसे पतला कर रही हूँ, पतला करके इसे फेंट ले रही हूँ इस तरह से, एक ओर से इसे घुमाते घुमाते रहना इसे, और इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो मैंने यहाँ एक बर्तन लिया है और उस पर छन्नी लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो बैटर है इसे लेना है, इसके ऊपर इस तरह से छानना है, इसे जो इसमें रोटी के टुकड़े कुछ रह जाएंगे ना उसे निकाल लेना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके सभी रोटी को मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ, ये देखिए बड़े टुकड़े जो रह गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से छन्नी से छान ले रही हूँ मैं सभी पेस्ट को।
दोस्तों हमारा रोटी का जो मिश्रण है पूरा रेडी हो गया, इसे मैंने अच्छे से छान लिया है, तो इसे मैं रख दूंगी रात भर के लिए ताकि इसका ग्लूटेन अच्छे से निकले। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो इसे रात भर के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर अगले दिन पापड़ बनाते हैं। दोस्तों अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे दूसरे दिन मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी लिया है, ये मेरा इडली का कुकर है, तो इसमें मैं ये आलू डाल दूंगी, नीचे ये आलू भी उबलते रहेंगे और मैं इसे चढ़ा दूंगी गैस पे और इसमें अच्छा खासा स्टीम आने देते हैं। इसे ढक देती हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों ये मेरा दूसरा दिन है और यहाँ पे ये पानी देखिए कैसे ये निकल गया है, यानी ग्लूटेन इसका। तो देखिए दोस्तों जो हमने रोटी को पीस के रखा था वो नीचे बैठ गया और पानी ऊपर आ गया है, तो ये सारा पानी हमें दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये जितना भी पानी निकल रहा है तो इसे निकाल लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमें ये गाड़ी वाली सामान चाहिए, ये देखिए ऐसा। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस बैटर में ये मैंने मसाले कुछ लिए हैं, आप अपने मन चाहे मसाले ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है यानी कि चिली फ्लेक्स, और जीरा लिया है, यहाँ पे मैंने करौंजी ली है यानी कि मंगरेला, तो मैं इसमें ये डाल दूंगी सारा का सारा। और धनिया पत्ता लिया है, इसे भी डाल देना है। और 1 चम्मच में नमक डाल दे रही हूँ, यानी जितना स्वाद अनुसार खाया जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बैटर हमारा रेडी है पापड़ का। मैंने यहाँ पे थाली ले ली, इसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर देना है, चारों तरफ अच्छे से तेल लगा लेना है। तो ये मैंने तेल लगा के रेडी कर लिया है। अब यहां से हमारा ये बैटर लेना है और इसे थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देना है बैटर को इस तरह से। और इस थाली को इस तरह इस पे रख देना है और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये बैटर सूख जाएगा पूरा। इसे सूखने में 30 से 40 सेकेंड लगेंगे और गैस का फ्लेम फ्रेंड्स हाई पे रखना है। देखिए फ्रेंड जैसे ये पापड़ सूख जाएंगे इसे हमें उल्टा करके पकाना है ताकि ये पापड़ अच्छे से छूट जाए, इसलिए इसे गीला करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 30 से 15 सेकेंड लगते हैं इसे, इस तरह से इसे भिगा के साइड में रख देना इसे सूखने के लिए। और यहीं पे हमारा दूसरा थाली भी रेडी कर लेना है। तो उसी तरह फ्रेंड्स इसे भी करना है, इस तरह लेना है और इसमें भी पापड़ हम रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसमें भी पापड़ में रख ले रही हूं और इसे भी रख देना है। देखिए फ्रेंड्स दूसरा वाला भी पापड़ हमारा तैयार हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स इसे भी पलट ली। देखिए फ्रेंड्स इस थाली को जल्दी से ठंडा होने के लिए मैंने ये परात ली है, इसमें पानी भर लिया है ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए, तो ये ठंडा हो जाएंगे तो अच्छे से निकल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पापड़ निकल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक बिछा लिया है, इस तरह से इसे रख देना है इस तरह से, ये देखिए। बस पापड़ों को फ्रेंड्स अच्छे से ठंडा होने देना है। और यहीं पे हमारा सेकेंड बैच भी रेडी। तो ये देखिए फिर इसे मैं पलट दे रही हूँ। तो इस पापड़ बनाने में थोड़ी जल्दबाजी करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये भी पक गए हैं और इन्हें मैं इस पानी में ठंडा कर ले रही हूँ। इवन इसके अंदर ये पानी भी चला जाएगा तो कोई बात नहीं, इस तरह से ये देखिए पानी
थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसे इस तरह से कर दिया है। इससे क्या होगा कि पापड़ हमारे जल्दी ठंडा हो जाएंगे। इस तरह से थाली को निकाल लेंगे पानी के अंदर से तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और पापड़ ज्यादा चिपकता नहीं है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पापड़ पक रहा है और यहाँ पे पापड़ ठंडा हो रहा है पानी के अंदर और यहाँ पे भी ठंडा हो रहा है। तो पापड़ ठंडे होंगे तभी फ्रेंड्स ये निकलेंगे अच्छे से, नहीं तो टूट भी जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे पानी से मैं फिर अलग करके इसका ये मैं चाकू से कर ले रही हूँ थोड़ा साइड साइड से। इस तरह तो ये हमारे रोटी के पापड़ रेडी हैं। पापड़ों के साथ हमारा आलू भी अच्छे से उबल गया है, तो ये हमारा दो दो काम हो गया एक साथ। तो आलू उबल गए हैं, इसे निकाल ले रही हूँ प्लेट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना सारा पापड़ बन गया है, कुछ पापड़ टूट गया है क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया है। तो मैंने इस पापड़ को चार रोटियों से बनाया है, अब मैं फिर और ज्यादा भी पापड़ों को बनाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ टूट भी गए हैं, तो इन्हें हल्की धूप में सुखा लेना है, इन्हें डायरेक्टली तेज धूप में नहीं रखना, नहीं तो ये फट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हें हल्की धूप में सुखाना है, यानी शाम के, मैंने ये पापड़ शाम को बनाया है, फिर मैं इसे पंखे के नीचे रख दूंगी तो ये सूख जाएंगे, नहीं तो ये डायरेक्टली धूप पड़ता है तो ये टूटने लगते हैं। तो मैंने इस पापड़ को चार रोटियों से बनाया है, फिर अगली बार मैं ज्यादा बनाऊंगी। तो ये मैंने पहली बार ट्राई किया है, तो कुछ पापड़ टूट भी गए हैं, तो इसे सुखा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक से दो दिन में पापड़ अच्छे से सूख जाते हैं, तो इससे ज़्यादा दिन नहीं लगता सूखने के लिए, लेकिन हमें एक साल के लिए रखना है तो हमें अच्छे से सुखा लेना है ताकि थोड़ा भी मॉइस्चर ना रहे पापड़ों में। तो देखिए दोस्तों, पापड़ हमारे अच्छे से सूख गए हैं, तो चलिए इन्हें फ्राई करने की बारी है। ये देखिए कितने मस्त बने हैं, तो चलिए इसे फ्राई करके टेस्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे फ्राई करते हैं, इसे कच्ची से दबा दबा के इस तरह से फ्राई करते हैं, इससे क्या होगा कि ये टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी के पापड़ देखिए मैं फ्राई कर रही, तो ये देखिए फटाफट फ्राई हो रहे हैं पापड़, इतना क्रिस्पी बना है, इतना क्रंची बना है, बच्चे तो इसे देखते ही खा जाएंगे। तो चलिए रोटी के पापड़ बनाना शुरू करें, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये रेसिपी आपसे शेयर करने के लिए। रोटी के पापड़ तो देखिए फ्रेंड्स, इसे तेज आंच पे इस तरह से सेक लेना है। ये बहुत ही रेसिपी आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही चटपटे हैं, बहुत ही डिलीशियस हैं, और इसका टेस्ट दाल की पापड़ के जैसा है, तो बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें रोटी के पापड़। बाय, मैं एंजॉय करती हूँ। तो फ्रेंड्स, प्रीति बताए कि कैसा बना है। वाओ चाची, बहुत ही टेस्टी बना है। किसका पापड़ है ये? रोटी का है। रोटी का पापड़ है ये? विश्वास नहीं हो रहा है कि रोटी का पापड़ पूरा मार्केट जैसा बना है।